आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्वालियर शहर में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। बीती रात भी चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए घर की अलमारी के ताले तोड़कर 2.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए, जिसके बाद फरियादी ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में चोरी की धारा में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। बताया गया झांसी रोड थाना इलाके के केदारपुर में रहने वाले मनोज श्रीवास्तव के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। फरियादी मनोज श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि चोर उनके घर की अलमारी के ताले तोड़कर 2.5 लाख रुपए नकद, एक सोने की झुमकी, एक अंगूठी लेकर गए। घटना रात 11 से 3 के बीच हुई। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों को पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी और चोरों की तलाश जारी है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। केदारपुर में मनोज श्रीवास्तव नाम है, वैसे गरीब आदमी है वो, तो उसके पास में और कुछ तो था नहीं, केवल एक अंगूठी बता रहा है और दो झुमकी बता रहा है 10,000 रुपये के करीब की ऐसे, और बता रहा है कि वो 2.5 लाख रुपये में नगद रखे थे उसमें, और वो उसका जी बता रहा है वहाँ से, और उसके वो फिसला खड़ी थी उससे, तो वहाँ तो और तो उसका परिवार और आगे रहता है, थोड़ा आगे रहता, वो उसी का अकेला मकान था वहाँ, ऐसा है। कोई संदेह वगैरह किसी पे? अभी संदेह तो उस पर कर नहीं रहा है वो किसी पे। कितने बजे की घटना है? रात की बता रहा है, 1 बजे से और 3 बजे तक के बीच की, 1 से 3।